जय बिहार, प्रणाम सारा बिहार के सातवें चरण के जितने भी शिक्षक प्रतिभागी हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मिस इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की चीज़ें आपका दिमाग ख़राब कर रही होंगी और कोई आपको कंप्लीट एविडेंस दे नहीं रहा होगा। तो मैंने सोचा कि ये लगातार आप सबके मेल आने के बाद मैंने सोचा कि चलिए फिर आप सबसे फाइनली जो सत्य है, जिन तथ्यों पर आपको बात करना चाहिए वो आपको बता देते हैं। मसलन जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि सहायक शिक्षा सचिव ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं। साथ ही आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि प्राइमरी की भर्ती आएगी नहीं आएगी और या फिर सिर्फ माध्यमिक की आएगी, एलिजिबिलिटी लेवल क्या होगा, बीटेट का क्या मामला है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको लगातार मिसगाइड भी की जा रही है। तो आप सबके लगातार मेल आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलिए फिर आप सबको सारी चीज़ों का जवाब मिल जाए और प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सारी जानकारी मिल जाए और आप एक क्लियर अपना मैंडेट बना पाएँ। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि भर्ती जो है वो आगे क्यों जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है छठे चरण में 50,000 से ज़्यादा महिलाओं की सीटें का बच जाना है, मतलब 52,000 सीटें बची हैं जिसमें 50,000 के आसपास में सिर्फ महिलाओं की सीटें हैं। अब इसमें जो है काफ़ी सारे पक्ष ये कह रहे हैं कैबिनेट और सचिवालय में कि जब सीटें नहीं भर रही हैं तो इन सीटों को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इसको पुरुष वर्ग में दे दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन आप सबको ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसके बीच में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस भी कोटे के लिए सीटें जो है आरक्षित की गई हैं उस कोटे में किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, अब इसको क्लियर करने के लिए बिहार में अध्यादेश लाना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। अब इसमें ये टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, ये बातें आपको कोई समझाएगा नहीं और आपको बस मिथक करके परेशान करते रहेंगे। तो ये एक चीज़ है जो एक मामला जो है वो थोड़ा पेचीदा बन गया है। अगले चरण पे जाएं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप सबको लगता है कि मैं जन्मिन आप सबके लिए प्रयासरत हूँ और सही इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा दीजिएगा ताकि आपका हमारा कम्युनिकेशन भी बढ़ता रहे और मुझे इस बात की अनुभूति भी होती रहे कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों से आप लाभ उठा रहे हैं और मेरा समर्थन भी कर रहे हैं, ताकि आगे जब ज़रूरत पड़े, जैसे सीटेट में मैं आप सबके साथ था तो यहाँ भी आपके साथ खड़ा रह पाऊँगा। एक मजबूत साथ होने की ज़रूरत होती है। चलिए, एक बात तो आपको मैंने ये समझा दी कि महिलाओं के जो सीट बच रहे हैं और वो सीटें भर नहीं रही हैं और उन सीटों को डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए एक अध्यादेश की ज़रूरत है जिसको लेकर के यहाँ पे मामला फंस रहा है। दूसरा, इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने कह दिया था कि डोमिसाइल इशू है और सिर्फ बिहार के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसमें एक पेश आ जाता है कि कई सारे बॉर्डर जो है ना बिहार के बॉर्डर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, तो आपने कभी नोटिस नहीं किया कि बहुत सारे बिहार के साथी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, टेंथ भी, इंटरमीडिएट भी, ग्रेजुएशन भी, वो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं। तो क्या ऐसे छात्रों को पात्रता ना दी जाए? अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल रूल जो है वो तो यही है कि आपको मतलब 10वीं नहीं तो 12वीं कोई ना कोई यहाँ से पढ़ना पड़ता है। तो ये एक पेज था जिसको लेकर के संशोधन किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है। प्लस जो है एक और चीज़ है कि 2021 तक सारी रिक्त पदों को इस सातवें चरण में एड ऑन करना है, ठीक है, मतलब 2021 तक जितनी भी सीटें खाली हैं, रिक्त पद खाली हैं, उनको भी ऐड ऑन करना है। अब इसका एक डेटा निकालना पड़ता है क्योंकि छठे चरण की जो भर्ती है वो अभी अभी 16 मार्च तक जाकर के कंप्लीट होगी, तो इसलिए उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया जो है आगे जाएगी ताकि वहाँ एक कंक्लूड जो है वो निकल के आए कि भैया कितनी सीटें जो हैं वो बच रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें शायद आपको कोई अभी ना बताए, लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे जाएंगी, सबके पास नहीं होती तो आपको वो पता चल जाएगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है कि सीटें कितनी आ रही हैं, दूसरा डोमिसाइल में भाई किसकी किसकी पात्रता रखनी है, उसके साथ साथ एक और फैक्टर ये आ रहा है कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ बिहार, इन द बिहार हैं बट उनकी शादी जो हुई है वो आउट ऑफ स्टेट हुई है, ठीक है। तो अब ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट से आप उसकी पत्नी जो होती है वो अधिकारी बन जाती है उसके सारे भुगतानों का, तो इस तरह से देखा जाए तो वो पात्र बन जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो चूंकि दूसरे स्टेट की है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इस नाते वो जो है अभी भी वहाँ की निवासी है। इसको लेकर के भी एक चर्चा थी कि भाई क्या होगा पात्रता का इशू, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग आप लगातार कह रहे हैं कि मतलब सरकार देरी कर रही है, सरकार ने कभी देरी की नहीं, मतलब उस तरीके से जैसा आप सोच रहे हैं। अब छठे चरण में देरी हुई है उसके भी कुछ रीजन हैं, कोविड से लेकर के अलग अलग चीज़ें का प्रॉब्लम आया, फिर आपको पता है कि प्रक्रिया जो है इस बार जो है ऑनलाइन करनी है क्योंकि ऑफलाइन प्रक्रिया में काफ़ी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थी, तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, वो भी जिले वाइज। अब इस सबको ऑनलाइन करने में भी आपको थोड़ा सा वक्त तो
लगेगा। अब इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से और एक और सवाल जो आप सबके लगातार आ रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, मतलब सीटें प्राइमरी की आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए प्राइमरी की सीटें आनी तय हैं, 50,000 देनी है या 1,00,000 देनी है, मतलब 89,000 देनी है, इस पर बहस चल रही है। क्योंकि इसके बाद एक और चीज़ आप समझिए, प्रैक्टिकली थोड़ा अगर आप पॉलिटिकली थोड़ा सा प्रबुद्ध हैं तो आप एक चीज़ को भी समझिए कि कहीं ना कहीं जो है इलेक्शंस के टाइम में भी वैकेंसियाँ कुछ बचा के रखनी पड़ती हैं देने के लिए, ताकि समझ रहे हैं। तो अगर सारी वैकेंसियाँ ख़त्म की जाएँ तो इस पे, जबकि छात्रों का जो है एक टैक्टिकल प्रेशर बना हुआ है कि आप वैकेंसियों को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए जितना आप दे सकते हैं, तो इसका एक कैलकुलेशन बनाने में भी वक्त लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी कारण हैं जिसकी वजह से जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो डिले होकर अप्रैल तक चला गया है और अप्रैल में आने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ बताऊँ जो आपको नहीं पता है, एक बहुत बड़े अधिकारी का बदलाव भी हो गया है शिक्षा संबंधित, और उनके अंडर में ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट थे छठे चरण के, तो अब उनकी जगह पे कोई और आ रहा है, तो उनसे भी चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये भर्ती तय है, नोटिफिकेशन आएगा। अब इसमें एक और मामला आपको नहीं पता कि बीटेट को लेकर के लोग हाई कोर्ट चले गए, बच्चे उनकी भी डिमांड है, उनकी भी डिमांड जन्मी है। फिर छठे चरण में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी प्रायोरिटी लेवल को लेकर के चिंतित हैं, उन्होंने उसका एक ज्ञापन सौंपा है कि भैया क्या है, हमको किस लेवल पे प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसका भी एक डाटा जो है उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे पेज हैं जो आपको कोई समझाएगा नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ शाश्वत है कि आपकी भर्ती जो है वो छठे चरण की, सातवें चरण की आ रही है, और उसके साथ साथ प्राइमरी की 1-5 की भी आएगी, 6-8 की भी आएगी, और कुछ प्रिंसिपल हेडमास्टर की भी आएगी, प्रधानाध्यापकों की भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो इसके लिए थोड़ा रिलैक्स, कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाई लॉ पास करनी पड़ेगी, जैसे कि महिलाओं की सीटों में से अगर लेना है तो उसको अध्यादेश बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा देर हो रहा है। अब आ जाते हैं आप सबके अलग अलग चिंताओं पर कि मतलब प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रिया आप सबको पता होगा कि प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, और मेधा सूची जो है अब आपको मैं पूरा एक पढ़ के बता देता हूं कि देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि अब प्रार्थियों के सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और सातवें चरण में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अभी तक ये था, लेकिन अब इसमें बदलाव होने की संभावना है। ठीक है, और जो पद रिक्त हो गए छठे चरण में वो भी, और सातवें चरण के नए और 2021 वाले भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई, और जस्ट अ मिनट, और आप सब जो कटअप को लेकर के परेशान है सातवें चरण में, तो मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का 68-70% के आसपास में रहेगा कटअप, आप उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, अगर 1-5 है तो आपको अपने 10th 12th प्लस अपना बीएड या डीएलएड जो भी किया उसको जोड़ करके भागा 3 करके अपना परसेंटेज निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 68-70 अगर आ रहा है तो जनरल महिलाओं की इससे गिर जाती है। ओबीसी में 63-65% हो जाता है और अदर में 55-60 हो जाता है, क्योंकि इस बार जो छठे चरण का था उसमें देखिए 67% था जनरल का, लेकिन इस बार सीटेट का एग्जाम भी हो गया है और सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है, तो अब बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, जो पिछली बार सीटेट की वजह से रुक गए थे वो इस बार और ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई चली जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, और उसके बाद से आपके जो, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ठीक है, तो आपका टोटल जो है वो 1,25,000 के आसपास में हो रही है। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, मतलब हायर सेकेंडरी टीचर्स एंड प्राइमरी सेकेंडरी टीचर्स। ठीक है, तो ये जो है इतने सारे रिक्रूटमेंट्स हैं जिसको कंपाइल करके आप सबके बीच में लाना है, और इसलिए थोड़ी सी जो है वो देरी हो रही है। तो अब कुल मिला जाना कि मुझे उम्मीद है कि अच्छा अब आ जाती है आपके पात्रता। तो देखिए जो लोग सीटेट कर चुके हैं वो भी पात्र हैं, और उसके साथ साथ जो बीटेट वाले का तो मामला आपको पता ही है कि रुका हुआ है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी शादियाँ या कोई बाहर स्टेट में चला गया है या कोई अलग अलग स्टेट्स में रह रहा है हमेशा से, उसके पूरे पुश्ते चली गई हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एक कट्ठा ज़मीन भी आप लोग के बिहार में हुई आपके पिताजी के नाम से, चाहे परिवार के दादाजी बुजुर्ग केहू के नाम से अगर हुई, तो आप लोग एलिजिबल बानी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, और इसको आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब वो सारी प्रक्रिया जब एक बार नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए तो मैं आपको वो प्रक्रिया भी, डॉक्यूमेंट्स बनाने की सारी प्रक्रिया, जिसमें कि आपको सब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पता है क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आपका 10th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, टीचिंग मतलब बीएड है डीएलएड है उसका सर्टिफिकेट, ये सारी सीटेट का, ये सब चीज़ें, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो खैर ये जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो मैं आप सबको जरूर बता दूंगा, आप सब सिर्फ जुड़े रहिए, मैं टाइम टाइम टू आकर आप सबको ऑथेंटिक जानकारियाँ जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो इतना परेशान मत होइए, और बाकी
कोई क्वारी होगी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो आप में से काफ़ी सारे साथी जो हैं वो मुझसे जुड़े हैं तो उनके सवाल तो मैं ले लेता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को अटेंड कर लूँ। और ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा पैनिक मत फैलाइए, थोड़ा सा ये भी देखिए कि सीटेट वालों का जो है ना वो अभी तक डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट भी नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहाँ से सबमिट कीजिएगा आप लोग। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, और जिनका पहले से रेडी है वो सोच रहा है कि डिजी मतलब सीटेट का आने से पहले ही हो जाए, बीटेट का आने से पहले हो जाए ताकि उनके कैंडिडेट्स कम बजे, उनका नंबर पहले आ जाए। जिनका नहीं हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि पहले हमारा सब आ जाए फिर हम इसको करें। तो इन सारी चीज़ों के बीच में थोड़ा सा पीच है, और सरकार क्या चाहेगी, सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती में पार्टिसिपेट करें, है ना, ताकि उनका जो एक होता है ना वोट बैंक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे सरकार वैकेंसी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। कुछ और अति महत्वपूर्ण अपडेट्स आने वाली हैं जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, और मैं आपको कोई गलत तथ्य देना नहीं चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कुछ मुख्य जो है, कुछ और भी खबरें आ रही हैं उनकी पुष्टि हो जाए, सत्यता की मैं एक बार जाँच कर लूँ, सर से मेरी बात हो जाए, मैं पूछ लूँ, फिर आप सबके बीच में आ जाऊँ। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। मिलता हूँ, प्रणाम, जय बिहार।